तो यार हम लोग को जब जब प्यास लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है फटाफट से अपने रूम में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और वहाँ से जो है ठंडा ठंडा पानी का एक बॉटल निकालते हैं और उसे जो है पूरा घटक के पी लेते हैं। लेकिन कभी आपने यार सोचा है जो हमारे आसपास छोटे छोटी चिड़िया होती हैं, जो छोटे छोटे पंछी होते हैं, वो कैसे पानी को पीते होंगे? क्योंकि इस तरीके की गर्मी में जितने भी तालाब होते हैं, जितने भी झील होती हैं, नदी होती है, वो सभी की सभी सूख जाती हैं। यहाँ पर जो है पानी बहुत ही मुश्किल से जो है मिलता है और वो लोग यार इतने छोटे छोटे रहते हैं तो वो लोग जो है किस तरीके से अपने पानी की व्यवस्था करते होंगे। तो इसीलिए यार इंसानियत के नाते हम लोग का फ़र्ज बनता है कि गर्मी में हम लोग जो है अपने घर के आसपास कहीं पर भी सभी पक्षियों के लिए जो है या सभी जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप थोड़ा सा पानी रख दोगे, थोड़ा सा जो है आप अगर मेहनत कर दोगे तो उतने से जो है पता नहीं कितने सारे पक्षियों को जो है पानी मिल जाएगा और उनकी जो है आपको दुआ भी 100% लगेगी। तो इसीलिए यार जो है आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक छोटा सा जुगाड़ आप बनाने वाले हैं जिससे कि हम लोग सभी चिड़िया के लिए पानी रख सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख लो पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पर जो है पता नहीं ना जाने कितने सारे पंछी जो है रहते होंगे, बट उनके पानी पीने के लिए यहाँ पे कहीं पर भी आसपास पानी आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस मटके के अंदर एक पूरा छोटा सा मतलब बनाकर है सिस्टम बनाकर जुगाड़ करके यहाँ पे कहीं पर भी टांग देंगे और इसके अंदर जो है डेली आकर पानी हम लोग डालते रहेंगे और यहाँ पर जो सभी पंछी रहते हैं वो अपना पानी इसी में से आराम से पी लेंगे। तो चलो यार पहले तो हमें जो है इसे कट करना होगा। तो इसे कट करने का सबसे जो बढ़िया तरीका होता है, आपको ना तो किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ना तो कुछ, आपको सिर्फ चाहिए होगी एक कील। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर है हमारे पास में एक कील और इसी से जो है इस मटके को हम लोग पूरा हाफ से कट करेंगे। तो चलो अब देखो कैसे। आ जाओ, बंदर का दूसरा नाम द टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। तो यार यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो मैं हूँ पेड़ के ऊपर और यहाँ पर जो है हमने अपना यहाँ पे जो सिस्टम बनाया था उसे देखो अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पे लटका दिया है और अब इसके अंदर जो है हमने पानी भी भर दिया है। अब यहाँ पे जो कोई भी पंछी आएगा या फिर जो कोई भी चिड़िया आएगी यहाँ पर बैठकर आराम से उसको पानी मिल जाएगा और यहाँ से पानी पी के अपना उड़ जाएगी। यहाँ पे जो है हमने किस तरीके से जुगाड़ करके पंछियों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया है, यानी कि उनकी पानी की व्यवस्था बना दी है। तो यार आप लोग भी ये काम ज़रूर से करना क्योंकि गर्मी के अंदर आपको पता होगा यार कि कितना ज़्यादा जो है पानी की टेंशन होती है। यहाँ पे जो है हम लोग को तो पानी इतना मुश्किल से मिलता है तो वो तो बेचारे छोटे छोटे जानवर हैं, तो इसीलिए अपने घर के आसपास जो है पानी रखना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम आपसे मिलेंगे किसी नए में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय। नहीं कर सकता यहाँ पे पकड़ा हूँ नहीं तो चला जाऊँगा नीचे।